हाय, हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? हम अच्छे हैं। और आज हमारे घर में बिजली विभाग से आएंगे और नया वाला मीटर को लगाएंगे। बहुत दिन से मीटर ख़राब हो गया था और नया वाला मीटर को वो लगाएंगे। सब कुछ मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, तो ठीक है, वीडियो के साथ बने रहिए। किनसे जान दिया मैंने ना बिना दिला था यार काट लो की ए जोन काट ले जा तू अलगा बुल लगे देबो ए भीतरे ऐसे आ जोन ती है भीतर के है बूटा लगे देबो हां बोर्ड रे लगे दे बोर्ड रे लगे दे सीधा আড়ে কেনে যিবা ইয়াড়ে যিবা লাইন ধর লাইন কেনে যিবা না মেন এবেজন জয়েন্ট করব ই ই নিকে আসবা লাইন ই নহি সেন কে যিবা ইয়াড়ে তো কোন সে দেই গিনি হেটা সামান দেবেন উপরে বইলে হেটা আমি দেমু ন ধর তুমি তুমি ইয়াড়ে যিবা বলে উপরে থাও নাই ইনে ইনে রা ঝুলি করে নিতে যিবা না ঝুলি কি না গলে দেখো মুড়ে বাজি বিয়া যিবা সে উপরে তার রহি বাঁধি দিও যে ঠিক সে হেবা मोबाइल से आड़ू घीच जोड़ी कुंद तो लिया परा कुली किन सारे बारे तो हाँ वीडियो बनाऊं जी ब्लॉग वीडियो बना सुना ब्लॉग वीडियो बना सुन यूट्यूब रे ओ हां यूट्यूब रे दिल दबो हां अच्छा अच्छा हे हे मीटर ब्लॉग आला वाले बनाओ ना हेटा तो अब के लगा मैं का करू रे हमर प्रधानमंत्री तांकर मन की बात नहीं छन हां हां यूट्यूबर टे बोलते ले माने अम्मा पैसा दुकान के 8 लाख प्लस अछो हमर फॉलोअर्स দেখি তুমি কহিল না সোনপুর সব আড়ে ভাইরাল কহিল বলে এই সোনপুর হয়েছে ভাবল হই দেখা বই হলো না নিজে
लाइन काटबा दे नहीं करबा दे हां है हाँ सबुनु सान सान साइज जन रही से कोला बेसी टेस्ट लग फोटोरे नै थबो दा तमति गुटे छाड़बो केनती गुटे ओ हने माजे ना हो फिटिंग हो आगे हम देखमु नै हम मला अमेरिका बा वाला पैसा देसिले नै हां से आरो हां गूगल यूट्यूब यूट्यूब से दुई जन आनसन आ से दुई जन भाग बटा है दोस्तों हमारे घर में ये खाना हुआ था देखिए और ये मोनिका खाया है और इतना नहीं खा पाया है। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों जो कि मीटर लगा करके वो चले गए हैं। किस साइट पे मीटर को लगाया हूँ मैं आपको मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे मीटर को लगाए हैं। और आज से बहुत ही देख देख करके ही लाइट को लगाएंगे, बॉल को लगाएंगे, फ्रिज चलाएंगे, कूलर चलाएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा बिल आ जाएगा। और यही ठीक होता है, अगर मीटर अगर लगेगा तो सब कोई ठीक हिसाब से बिजली को यूज करेंगे, व्यवहार करेंगे, नहीं तो बिजली का जो उसका बिल है बहुत बढ़ जाएगा और नुकसान हमारा ही होगा जो हम यूज करते हैं बिजली को। अगर ठीक हिसाब से अगर हम यूज करेंगे तो बिल भी कम आएगा और सबको बिल लाइन बिजली सबको अच्छे से मिलेगा और ज़्यादा वोल्टेज भी नहीं खींचेगा। और हमने जो बॉल को लगाया है देख सकते हैं ये जो कि वाइट कलर का, इसमें ज़्यादा पावर नहीं आता है इसीलिए। वो जो लाल कलर का मिलता है एक बॉल में 12 रुपया 10 रुपया उस बहुत ही बिल लेता है वो। एक बॉल में ऐसा वाला बॉल तो 4 ठो आ जाएगा एलईडी बॉल, और एलईडी बॉल में ज़्यादा बिल भी नहीं उठता है, कम उठता है। पवित्र सैकोला नियर के जल्दी तो दोस्तों मैं एक चीज आपको मैं अभी दिखाता हूँ जो कि बहुत पहले वीडियो हम बनाया था। आप पिछला वाला वीडियो में जाओगे वीडियो में तो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल में जा करके, जो कि एक पत्ता जो खट्टा खट्टा वाला पत्ता का वीडियो में बनाया था और उसका अभी फल छोटा छोटा आने लगा है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी जा करके। और वो तो लाल कलर का फल होता है, उस फल को भी हम खाते हैं और उसका बीज जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। उसका बीज को आप सूखा करके रख दोगे और अगले साल फिर बारिश के मौसम में फिर एक फल का ही बीज को ऐसे आप खेती कर लोगे तो पूरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसमें। अभी तो छोटा छोटा फल आने लगा है और इसका पत्ता को भी खाते हैं, थोड़ा खट्टा खट्टा लगता है। देखिए दोस्तों ये है, मैं एक पत्ता को खा के दिखाता हूँ आपको। दो तीन बार वीडियो तो बनाया हूँ मैं इसका, अभी इसका फल को मैं दिखाता हूँ। अभी थोड़ा दूर से आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं पास से मैं दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों देख सकते हैं छोटा छोटा फल आने लगा है।
बहुत ही छोटा छोटा है अभी अभी, ये और बढ़ेगा। दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं जरूर कमेंट करिए दोस्तों। और यहाँ पे झुनगा, ये तो अभी ख़त्म होने लगा है, बहुत खाया हमने दोस्तों इसका, अभी तो ये ख़त्म हो जाएगा, एक्सपायरी हो गया। और इस तरफ हमारे बगीचे में पपीता भी लगाए हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे, और भी बहुत ज़्यादा पपीता है वहाँ पे आगे। देखिए यहाँ पे भी है पपीता हमारा, बहुत ज़्यादा फल आएगा, बहुत खाएंगे और वीडियो भी बनाएंगे। और ये कड़ी पत्ता, ये है उसका पेड़, और ये भी है, और ये भी है डालमा में बना देने के लिए। और दोस्तों बहुत ज़्यादा खेती करेंगे और बहुत ही सब्जी को हम लगाएंगे हमारे घर के पीछे के साइड में बगीचे में, मैं सब कुछ आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और एक भाई जो गाय है मानेश्वर, और मैं फ़ोन कर दिया हूँ, 60-70 रुपया का बिहान को लाएंगे, बीज को लाएंगे, वो रेड कलर का जो भाजी होता है उसका बीज भी लाने वाले हैं, अभी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊँगा। और ग्रीन कलर का भी भाजी लाएंगे, और मूली का भी उसका बीज भी लाएंगे, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा और खेती करेंगे, सब कुछ आपको वीडियो में दिखने के लिए मिलेगा। तो ठीक है, इंतजार करते हैं थोड़ा 5 मिनट, अभी तो वो फिलहाल निकले हैं, 7 किलोमीटर है, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों देखिए ये है धनिया का बीज, जो कि एक भाई को मैंने लाने के लिए बोला था, वो पहुँच गया और ये मेरे को दे करके वो चला गया। और ये देखिए ये मूली का बीज है शायद, रुकिए थोड़ा मैं दिखाता हूँ आपको, हाँ ये मूली का बीज है दोस्तों, देखिए और ये भी भाजी का बीज है, लेकिन इसमें से पहचानना थोड़ा मुश्किल है, एक रेड कलर है और एक ग्रीन कलर का बीज है। तो बस इतना ही दोस्तों लगाएंगे, और भी बैंगन सब कुछ लाएंगे, गाजर भी लाएंगे, सब कुछ जितना हो सकता है ये सर्दी के मौसम में हम सब कुछ साग सब्जी लगाएंगे और आपको वीडियो में भी दिखाएंगे। तो फिलहाल अब इसको रख देते हैं, और बाद में जब लगाऊंगा मैं कल, उसी टाइम पर अलग से एक वीडियो आएगा इसका। बिजली विभाग से जो दो भाई आए थे, बहुत अच्छी तरीके से फिटिंग किया घर में, और बहुत अच्छी तरह से सब कुछ वो लगा दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा दिल से वो दो भाई को, और बहुत अच्छे से बातचीत भी किए, हमारे वीडियो को भी देखते हैं, वो बहुत अच्छे से सब कुछ काम कर लिया और वो दोनों चले गए हैं। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रहते हैं। और आज दिन का खाना में आपके घर में क्या क्या हुआ है ज़रूर कमेंट करिए। तो ठीक है, बाय।